सिंध के आलमन अदीबन बोली ए लसानत के माहिरन ए सजा धरिन है तो कें भी बोली के मिसार जण जहा अहम कारण बोली दा गैर संजीद रवियो उन बोली के मुसलसल नज़रअंदाज कर हों जदा त सिंधी बोली के वाद वेझला जरूरी है तो सिंधी बोली के कौमी बोली जो दर्जो दई उन दफ्तरी बोली बनाया वे सरकारी तौरे गैर सरकारी स्कूलन में सिंधी बोली जो मजमू लाजमी तौर पढ़ाया वे अड़े ख्याल इजहार इन मुमताज मिर्जा हाल सिंध मिजुम कासमाबाद हैदराबाद में सिंधी बोली के बा अख्तियार अदारे पारा सिंधी बोली जागरता मुहिम के इफ्तिताही तकरीब के खिताब कंदे कयो जदें तकरीब की शुरुआत भिटाई की वाई अनु सोलंगी के खूबसूरत आवाज में गाई उन मौके ते सिंधी बोली जे गूगल ते जुड़ियल एप मेहताब अकबर राशिदी खां इफ्तिताह करायो वियो तकरीब के आजियानो पेश कंदे सिंधी बोली जे बा अख्तियार अदारे जे चेयरमैन डॉक्टर इसाक समय जे तकरीब जे मकसदन ते रोशनी विझंदे चयो त सिंधी बोली जागरता मुहिम हलाइण जो मकसद बोली जे वारसन के सिंधी बोली जी फादियत अहमियत खां उजागर करण आहे न त असांजो नओं नसुल शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के भी खुशहाल खान खटक वांगुरु रुगो शायर ई समझंदो इन अड़ू तकरीबू पूरी सिंध में मल्हाई वेंदू जी 21 फरवरी 2023 तीन हलंद रहंदूँ जो मकसद पाँगी बोली की बका ए वजूद का नए नस्ल के मुतारफ़ कराण है डॉक्टर इसाक समय जो सिंधी बोली जागरता मुहिम 1 अक्टूबर का शुरू कंदी तो अड़ो साथ दींदी भी बोली किथे अजोक मुहिम जो उनवान सिंधी बोली जागरता मुहिम उनको इफ्तिताही जलसो ये मुहिम घणा तरफी है उनका केतरा ही घना मकसद है पर जो बुनियादी मकसद है खुद इन बोली के गालाइंदड़ या इन बोली के विरसे जे वारिस सिंधी मू अस मू जिन दुनिया मुख्य मोहन के दर की शकिल में एक नई तहजीब दिनी जिन जो मोहन के दर जो स्क्रिप्ट अना पढ़ने के इंतजार में उन पुठियां लिखल जो हजारे साल तहजीबी तारीखी ए सकाफती दुनिया है जो असरार जो बुझ आको बहरहाल अस यकीन तकड़े में जाहिर खुल दुनिया के तहजीबी वरसे में उनको वो रोल खो किरदार खो उन बोली के वारस के बुधा अस ये सवाल कर तैयार ना अस उन बार से उर्दू ए अंग्रेजी में ऐसा शुरू क्यों था 10 जणा गजी वही स्कूल के ना समझाऊँ अस फी दूँ था अंग्रेजी सेखार उर्दू सेखार तुम कम आ
असो कम ना है कोई यो अखलाकी तरीको भी ना तो बार का एकड़ी बोली खसे उनके भी बी बोली सिखार तेरे समझा तो असा के सब का पैरी पंजन रवैन के ऐसण पव रवैया कड़ी रीत असांजी बोली के लताड़े रहा है चिभाटे रहा है हानियो पोचा रहा है असा रोजानी गुफ्तगु में पी बोली के अस जैसे हाईवे से उर्दू अंग्रेजी बोर्ड की शिकायत कदा कदें अस मुड़ी ना दिखो तो असें वन के कबर से कतबो कड़ी बोली में लिखल आई वो कें लिखो कें लिखाया असा के जैसे को खानगी स्कूल न्यापो मोकिली तो पैंने बार से सिंधी न ओ इन बोली थी खराब थे अस कदम पुछो आ तो उनकी कड़ी बोली थी खराब थे अस ये सवाल कर तैयार ना असं उन्हें बार से उर्दू अंग्रेजी में ऐसा शुरू क्यों था दह जणा गजी वही स्कूल के ना समझा अस तक फी दूँ था इनके अंग्रेजी सिखार उर्दू सिखार तम असो कम ना है कोई यो अखलाकी तरीको भी ना तो बार का एकड़ी बोली खसे उनके बी बी बोली सिखार तेकर समझा तो असा के सब का पैरी पंजन रवैन के ऐसण पव रवैया कड़ी रीत असांजी बोली के लताड़े रहा है चिभाटे रहा है नानियो पोचा रहा है अच्छा माइक से मुनासिब न होंगे पर इंतहा अहम ऐलान हो जो इन तकलीफ से वापस था वो करना जरूरी हो अस असल में इन जागरूकता मुहिम जी हूँ तो बाकायदा शुरुआत अच गई पर उनके अमली जाम से पहले अक्टूबर का वी 15 अक्टूबर तीन बुख जो है मुहिम वह हैदराबाद में शुरू कंदी कासिमाबाद के ईंदी तो उतना रोडन रस्तन का नाला दुकान के जो बोर्ड उनका नाला जे आलिम अदीब शायर रहन था उनके घर के जो नाल तख्तियों हैं उनके सिंधी में कराएं तो इन सिलसिले में अजोक महफिल में असि गुजारिश से रहमत लसान साहब जो कासिमाबाद बिजनेस फोरम जो अगवान भी है वो मौजूद है उन साल में मुलाकात कई है उन रजामंदी जाहिर कई है कासिमाबाद के जो व्यापारी दोस्त हैं जिनका दुकान है वो सब असर इन मुहिम जो हिस्सों थींदा उनके दुकान के नाला है वो तब्दील कराने में असि मदद कदा सारी रीत भिटायास काउंसिल जो असो दोस्त मौजूद हैं उनसान साहब समेत सब सब मौजूद है वे इन मुहिम में रफीकी सानी और साथी जो दस्त गए अदी नजीब कुरेशी वेठी है इन दस्त का वायदो किया तो इन मुहिम में साथ दींदा अस सब गजी कासिमाबाद में जो भी सियासतदान रहन था जे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जे भी लागापुर फोरम कंसिल हैदराबाद आ म्यूनसिपल कमेटी आ उन सभी से गजी अस इन मुहिम के कामयाब बना तमाम घनी सिंधी बोली जागरता मुहिम तकरीब के खास मेहमान तौर खिताब कंदे उर्दू के वदे आलम ए कराची यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जाफर अहमद चयो तो मादरी जबान केड़े भी फन के समझण में तमाम घनी मददगार साबित थे थी इन वधिक चयो तो उर्दू जबान के असांजी रियासत में कौमी बोली जो दर्जो मिलल है पर उन बावजूद भी असांजी सरकारी अदारन में लिख पढ़ अंग्रेजी में कई वजे थी सदारती खिताब कंदे मेहताब अकबर राशिदी चयो तो सिंधी बोली समाजी वाहिपे के वधाइण माण्हुनि में सिंधी बोली के जज्बे के उभारण ला असांखे पंहिंजा रविया मिटाणा पवंदा जदीदियत जे बहाने पंहिंजी बोलीअ में पैदा थींदड़ बिगाड़ के रोकणो पवंदो त तकरीब के नामियारी लेखक जामी चांडियो ताजोयो ऐं ॿियनि केतिरनि ई पिण ख़िताब कयो पढ़ाने के हवाले से असि जो रोडन रस्तन से सिंधी बोली के राय थे वाले हवाले से आखिर नाकामी कमजोर छो मुझे ख्याल यो है अस गल असरायती मुस्तकिल मिजाज से कंपेन हल अगर अस इन गाल के समझू था तो सही है एक डे की गाल नुर्ज एक हफ्ते की गाल नुर्जन घुर्जे एक मिनट की गाल नुर्जे बयान जारी कर फर्ज पूरे सुमी न रहें खे पर मुस्तकिल तौर तौर कंटिन्यूटी जरूरी है प्लस इनके मानू का कम भी नुजन खे सिंधी लैंग्वेज हथाने का कम नुजन घुर्जे या अखबार वालों का कम नुजन घुर्जे कि समाज कारकुन का कम नुजन घुर्जे
पर इन सोसाइटी जहाँ समूरा जी वतन से मोहब्बत कहता पैं धरती से मोहब्बत कहता पैं धरती की बोलिए से मोहब्बत कहता पैं माँ की बोली से मोहब्बत कहता वे सभी इन में शामिल थे ये ना तो फलानो कामयाब थो फलानो नाकाम थो फलाने की असर आए तो आवाज़ उठो न थो तो मुझे ख्याल है इन में बुनियादी गालू है एकड़ी तो डायरेक्शन असि इदारे डायरेक्शन दिखी है नंबर वन नंबर टू तो जी मुस्तकिल लागी तो नॉन स्टॉप कर नंबर थ्री तो इन में असि के शामिल करें सिवाय कि एक मानू कम ना एक समझा तो इनिशिएटिव जो वक्त वही है वह तमाम जरूरी है तमाम अहम है तमाम वक्त है अज अस न कहो शायद अस घो नुकसान खी वे तदारक वापसी तमाम मुश्किल समझा तो अजोक इवेंट के हवा से मुबारक हुए खबर इन बाहर गुजरी कम कर।